लेकिन जो अमेरिकन ब्रिटिशर या तो रशियन है वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी चिट्टी होती है, हमने तो करके भी देखी हुई है रशियन के साथ पूरी पिंक होती है। प्राइवेट पार्ट का जो कलर होता है वो डार्क क्यों होता है? अक्सर लोग पूछते हैं कि जो फीमेल की जो वजाइना का जो कलर होता है वो डार्क क्यों होता है, लेकिन पूछने वाले ये भूल जाते हैं कि उनके पीनस का जो कलर होता है वो भी तो डार्क ही होता है। तो बात चाहे मेल की हो या फीमेल की, वो अदर बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा तो डार्क होता ही है, फिर भले ही वो अंग छिपे रहते हैं, कपड़ों के अंदर ढके रहते हैं। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, एक सामान्य सी क्यूरियोसिटी है जो लोगों के दिमाग में चलती ही है। तो नए लड़के लड़की जवान हो रहे होते हैं, वो तो अपने बारे में इस चीज को सोचते हैं कि यार हमारा ये वाला रंग इतना डार्क क्यों है। इनफैक्ट वो जो अडल्ट मेल है उनकी भी एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि यार इतना डार्क क्यों रहता है नीचे का हिस्सा हमारा, जबकि कपड़ों में के अंदर ढका हुआ होता है। ऐसा होने के पीछे एक मुख्य कारण तो है हार्मोनल चेंजेस, जो एक लड़के और लड़की की बॉडी में आते ही हैं जब वो जुवेनाइल एज में अपने कदम रखते हैं। किशोर अवस्था में कदम रखते ही उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उनके जो प्राइवेट पार्ट है उनमें भी बढ़ोतरी होती है, साइज में उनके फर्क पड़ता है, और फिर उनके निप्पल का कलर, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल, वहां का रंग भी थोड़ा गहरा हो जाता है, और उनके प्राइवेट पार्ट का भी जो रंग है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलता है, पैलेस के कंपैरिजन में थोड़े से डार्क हो जाते हैं। दूसरा कारण प्रेगनेंसी। मेल और फीमेल की बॉडी में एक सबसे बड़ा अंतर यही है कि एक मेल बॉडी में तो जो हार्मोनल चेंजेस है वो आकर एक टाइम पे आके रुक जाते हैं, फिर उनमें कोई चेंज ऐसे खास देखने को नहीं मिलते। इसके बाद एक लंबा गैप होता है, और जब उनकी एजिंग प्रोसेस शुरू होता है तब उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जब उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाउन हो जाता है, जिसे एजिंग फैक्टर कहते हैं। भाई उम्र हो गई है, अब तो बॉडी पहले जैसी रहेगी नहीं। लेकिन फीमेल बॉडी में ये हार्मोनल चेंजेस निरंतर आते ही रहते हैं, जुवेनाइल एज में आएंगे, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे आएंगे, फिर पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान भी उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिर मेनोपॉज के दौरान भी उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और एजिंग तो अपना असर छोड़ती ही है। फीमेल बॉडी तो हार्मोन्स का पुतला है, जब जब उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे आपको उसके बॉडी पार्ट में उसके रंग रूप में फर्क देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि जब वो प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है अपने बच्चे को, तो उसकी जो निप्पल का एरिया है पहले से ज्यादा गहरा ब्राउन हो जाता है, और उसकी वजाइना का जो कलर होता है वो भी डार्क हो जाता है। दौरान उनके ब्रेस्ट के आकार में भी बढ़ोतरी होती है, तो जो लड़कियां कुंठा से ग्रसित होती है कि हमारा साइज वैसा नहीं जैसा हमें चाहिए था, तो उनको साइज उनका ब्रेस्ट का उस दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा बढ़कर मिलता है, और वो कुछ लड़कियों के साथ कंटिन्यू जिंदगी भर रहता है। तीसरा कारण सेक्सुअल एक्टिविटी। जब दो लोग एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे होते हैं तो वो अराउजल बढ़ने के कारण, फोरप्ले के दौरान जो आप एक चीजें करते हो तो एक्साइटमेंट बढ़ने के कारण आपके जो प्राइवेट पार्ट में है ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जो आपके बॉडी पार्ट में इरेक्शन लेकर आता है। वहां ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वजाइना का जो कलर है वो टेम्परेरी टाइम के लिए चेंज हो जाता है, आपको वो डार्क पर्पल या डार्क पिंक कलर जैसा दिख सकता है। जैसे आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज का दी एंड करते हो, निफ्राम हो जाते हो, तो आपका जो वजाइना का कलर है वो भी चेंज हो जाता है, नॉर्मल जैसा कलर था वैसा ही हो जाता है। और ये वाला जो चेंज है ये सेम मेल के पीनस में भी देखा जाता है, उसके कलर में भी आपको चेंज देखने को मिल सकता है। पता नहीं आपने इस चीज पे कभी गौर किया है नहीं किया है, क्योंकि ज्यादातर तो गौर वजाइना पर ही रहता है ना लोगों का। अब आपका अगला सवाल होने वाला है कि जो पोर्न एक्ट्रेस होती हैं, वो जो मूवी में इस तरह से दिखाती हैं, उनकी वजाइना तो एकदम क्लीन चिट, एकदम सफेद दूध जैसी होती है, ऐसा कैसे? तो भाई टेक्नोलॉजी की दुनिया है, काले को सफेद करने में कितना टाइम लगता है? आप अपनी भी कोई पिक्चर या कोई वीडियो, चाहे भले मेकअप करा के बैठे हो तो बुरे नहीं लग रहे, लेकिन हाँ एकदम स्मूथ क्लीन एकदम ऐसे चाहिए, एकदम चिकनी चिकनी, फिल्टर यूज करके ही डालते हो ना, चाहे वो 25% फिल्टर यूज करते हो। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, फिल्टर का जमाना है, कोई ऐसी थोड़ी ना खुद को प्रेजेंट कर देगा, उनको तो आपके अंदर वैसे भी एक्साइटमेंट पैदा करनी है, तो क्लीन चिट शेव्ड पूरा दिखाएंगे। और वैसे भी इनकी कमाई इनकी बॉडी से है, तो प्लास्टिक सर्जरी, लेजर हेयर रिमूवल, स्किन व्हाइटनिंग, एनल ब्लीचिंग, ऐसी ऐसी चीजों पर ही अपना टाइम और पैसा लगाते हैं, इनकी मजबूरी है। कुछ लोगों की जरूरत है तो कुछ लोगों की मजबूरी, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे हर इंडस्ट्री में बढ़ ही रहा है। आप नॉर्मल हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसी का ही हाल देख लो, चार मूवी हिट हो जाने के बाद आपको पांचवी मूवी में उस हीरोइन का नेम, नक्शा, रंग रूप बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई देगा। और कुछ लड़कियां तो पहले ही अपनी बॉडी पे वो सारे ट्रीटमेंट ले चुकी होती है, अपना साइज बढ़वा चुकी होती है, अपना रंग रूप में चेंजेस लेकर आके तभी इंडस्ट्री में कदम रखती है, ताकि कॉम्पिटिशन पहले से छट जाए, छटनी हो जाए लोगों की। कुछ लोगों की जरूरत है तो कुछ
बच्चों की मजबूरी और आप पगलाए जाते हैं इन्हें देख देख के कि हाय ये ऐसी है। ये पोर्न, ये फिल्म इंडस्ट्री ग्लैमर की दुनिया है। कोई काली से गोरी होने के लिए पैसे खर्च कर रहा है तो कोई गोरी से और ज्यादा गोरी होने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, उसे तमन्ना भाटिया से कंपटीशन करना है। ये सामान्य लोग हैं बिल्कुल आप और हमारे जैसे, बस खुद को असामान्य बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। 36 साइज वाली को तभी तो कोई देखेगा ना जब बाकियों का 32 होगा, तो उन लोगों को पता है कि वजाइना का जो कलर होता है वो डार्क होता है, तो क्यों ना हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, वीडियो में ऐसा रंग दिखाएं कि देख के पगला जाए यार क्या गोरी चिट्टी है। टेक्नोलॉजी का वो यूज करते ही हैं, बाकी वो स्किन वाइटनिंग वाले ट्रीटमेंट सारे लेते ही हैं, आपके दिमाग से खेलते हैं वो। किसी की बॉडी का रंग कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है, ये काफी हद तक निर्भर इस बात पर भी करता है कि वो किस देश का निवासी है, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहां का वेदर कैसा है, वहां का खान पीन कैसा है, ये सारी चीजों पर निर्भर करता है उसका रंग रूप, उसकी आंखों का कलर, उसके बालों का कलर। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि तो चलो वो तो पोर्न वाली की टेक्नोलॉजी यूज करी, लेकिन जो अमेरिकन, ब्रिटिशर या तो रशियन है, वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी चिट्टी होती है, हमने तो करके भी देखी हुई है रशियन के साथ, पूरी पिंक होती है। तो भाई मैंने कहा ना कि वेदर कंडीशन का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन का फर्क पड़ता है। ऐसे में तो किसी विदेशी महिला का वहां का कलर भी हमें ब्राउन पिंक ही लगेगा, उनके हिसाब से वो ब्राउन होगा, हमारे हिसाब से वो पिंक होगा। और फिर एजिंग तो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, इससे तो हर इंसान को गुजरना है। वहां की स्किन आपकी एजिंग के दौरान ढीली भी पड़ेगी और डार्क भी होगी, फिर वो चाहे इस देश की महिला हो या उस देश की। इसलिए दिमाग हमेशा वहां लगाए, अपना समय और पैसा वहां बर्बाद करे जो चीज आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है। अपने प्राइवेट पार्ट को हेल्दी और इन्फेक्शन मुक्त रखना ये आपके हाथ में है, वहां की हाइजीन मेंटेन करना आपके हाथ में है। अब हाइजीन से मुझे याद है कि किसी ने मुझे एक वीडियो पे कमेंट किया था, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वजाइना की बदबू के बारे में बात की थी, तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं तो वी वॉश यूज करता हूँ हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जितने भी कॉस्मेटिक चीजें होती हैं, इसे आप अपना जितना दूर रखें अपने प्राइवेट पार्ट से उतना ही बेटर है। यह आपके प्राइवेट पार्ट का जो पीएच लेवल होता है उसे डिस्टर्ब कर देती है। वजाइना की तो वैसे भी एक खास बात है कि वो ऑटो क्लीन प्रोसेस में रहती है, वो खुद से खुद को क्लीन कर लेती है, तो आपको ज्यादा इंटीमेट वॉश इस तरह के साबुन से उसको बार बार धोने की जरूरत भी नहीं है। आप बस जब नहाते हैं तो एक बार साबुन लगा लिया करें, वही जो मैंने बोला माइल्ड सोप से आप अपने प्राइवेट पार्ट को धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। बाकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपने बालों को ट्रिम करके रखें, हर 20 दिन बाद जब आपको लगे कि बालों की ग्रोथ हो गई तो ट्रिम कर लें उसे। वहां की हाइजीन मेंटेन करने के लिए, उस जगह को साफ सुथरा रखने के लिए ब्लीच कराना या वैक्सिंग कराना ये किसी की पर्सनल च्वाइस हो सकती है, आवश्यकता नहीं। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि प्राइवेट पार्ट के कलर का डार्क होना ये स्वाभाविक है, इसके लिए सर पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है, चिल करो।